अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आए हम अपनी नई वीडियो शुरू करते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। यूएसए, यूएसए नंबर वन पे है और इसकी सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद मैक्सिको है और उसके बाद कनाडा है। कनाडा का चौथा नंबर है। तो आए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इजी जेट इज़ द एयरलाइन ऑफ, इजी जेट किस कंट्री की एयरलाइन है? यूके की है और इस मलेशिया जो है उसका कैपिटल सिटी कुआलालंपुर है। स्पेन का मैड्रिड, तुर्की का अंकरा, प्राइम मिनिस्टर यूके के बोरिस जॉनसन, प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के मोहियुद्दीन यासीन। मोहियुद्दीन यासीन मलेशियन, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, बोरिस जॉनसन यूके के। आए हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा तीसरा जो सवाल है वो यूनाइटेड नेशन किसने बनाई, इसका नाम है एफ डी रूसोवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जंगे दूसरी जंगे अजीम के दौरान। ये बहुत मशहूर हैं, बाज़ का पीपीएस के जो पास्ट पेपर हुए हैं उनमें से ये सवाल पूछा गया। उसके बाद ओआईसी कब कब बनाई गई? सितंबर 25, 1969 और इसके मेंबर 57 और इसका हेडक्वार्टर जद्दा और सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल उथमीन, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक इंग्लिश फ्रांस। तीन हैं ये सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैंने ये डाले हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज चीन, सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल उथमीन, मेंबर्स की तादाद 57, हेडक्वार्टर जद्दा और फॉर्मेशन ईयर 1969। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड, वो थंगस्टन है, ये थंगस्टन की पिक्चर है। तो सिक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज कॉल्ड, इसे बिरिश बोलते हैं। जब स्टॉक मार्केटिंग डाउन की तरफ जा रही हो, मंदी जा रही हो, तो बिरिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो सेवन सवाल है वो है कि फैब्रिक ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो है ये टेली कम्युनिकेशन की जो वायर्स होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है, टेली कम्युनिकेशन की वायर्स में। तो ऑल इन वन मेरा चैनल है, ये करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर के जो पास्ट पेपर के अहम सवाल हैं उसके लिए, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का जो बटन है इसका ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ वो आपके पास चली जाए। वीडियो अगर पसंद आए लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। और ये वीडियो जो आपके दोस्त जॉब्स के लिए पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उन्हें शेयर भी ज़रूर करें। नो डायनेस्टी लेट्स मोर देन थ्री जनरेशन इज़ द थ्योरी ऑफ, के इब्ने खालिदून कहते हैं कि कोई जो डायनेस्टी है वो थ्री जनरेशन के पास नहीं जा सकती, थ्री जनरेशन तक नहीं रह सकती, इब्ने खालिदून कहते हैं। ये मुस्लिम साइंसदान थे उस टाइम। आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सेलर इन द वर्ल्ड, जो यूएसए है वो फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड पे है रशिया, जो असले के हथियार ज़्यादा सेल करते हैं। और जो मेरा आखिरी सवाल है ये इंतहाई अहम है कि पिन पॉइंट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ग्रीक है और एथेंस इसका कैपिटल सिटी है, फ्रांस जो है इसका पेरिस कैपिटल सिटी, यूनाइटेड स्टेट का जो आपको पता ही है उसका ग्रेट ब्रिटेन या यूके इन्हें बोला जाता है, ये दोनों एक ही मुल्क के नाम है और इनके कैपिटल सिटी लंदन है। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने एक नए जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आपके सामने आ जाऊँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।